नमस्कार बच्चों, रायनवाल विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको रिपोर्ट्स तैयार करनी होती हैं। उसके लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है टेंस। हमें टेंसेस का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, चाहे हम रिपोर्ट्स बनाएं, चाहे हम अपने आंसर्स बनाएं, और चाहे हम और कोई लेटर या एप्लीकेशन कुछ भी बनाएं, तो उसके लिए हमें टेंसेस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस बार आप देखेंगे कि टेंसों को याद करना और उसके बाद उनका प्रयोग करना कितना आसान है। टेंसों में बहुत व्यापक रूप से लिखा देते हैं बच्चों को, एक एक टेंस में डेढ़ डेढ़ पन्ना भरवा देते हैं। बेसिक चीज बच्चा भूल जाता है, उसको ये पता नहीं होता कि वास्तव में टेंस की पहचान क्या है, सहायक क्रिया क्या है, कैसे उसे काम में लेना होता है। तो ये कॉपियां भरवाने के लिए नहीं होता। इस बार आप देखेंगे कि यदि टेंस हम याद करते हैं तो कैसे इन टेंसों की मदद से किसी भी चीज को हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। एक अंग्रेजी का अध्यापक जब ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, कोई भी रिपोर्ट्स लिखता है या कोई लेटर लिखता है या कोई एप्लीकेशन लिखता है, ठीक है, या किसी क्वेश्चन का जब वो आंसर लिखता है, तो क्यों वो अंग्रेजी में लिखता चला जाता है? ऐसा क्या है उसके पास? उसके पास है टेंसों की नॉलेज। उसने टेंसों को यूज़ किया है, वो टेंसों से अंग्रेजी के वाक्य बनाना जानता है, जो कि बहुत ही आसान है, और उसी का प्रयोग करते हुए, ठीक है, वो अपने किसी भी आंसर को या रिपोर्ट को या लेटर या एप्लीकेशन उसको बड़ी आसानी से बना लेता है। तो आप भी बना सकते हैं। इतना आसान है कि एक 6th-7th क्लास का बच्चा भी बड़े आसानी से कहानियाँ वगैरह, रिपोर्ट्स, लेटर, एप्लीकेशन बहुत आसानी से बनाता है। तो हम इस दरमियान स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेंस। अब टेंसों में मैंने पिछली वीडियो में जैसे कि आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब उसमें प्रत्येक टेंस को चार भागों में बांटा गया है, ठीक है। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, नंबर एक प्रेजेंट टेंस, नंबर दो पास्ट टेंस और नंबर तीन है फ्यूचर टेंस। इन तीनों ही टेंसों के चार चार प्रकार होते हैं। तो वो चार प्रकार कौन से हैं? पहला है इनडेफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चार प्रकार सभी टेंसों के होते हैं। प्रेजेंट के भी यही चार प्रकार हैं, आप इनके आगे प्रेजेंट लगा दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप इनके आगे पास्ट लगा दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप इसके आगे फ्यूचर लगा दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से जब इन तीनों के ही चार चार प्रकार हो गए, तो इस प्रकार से कुल टेंस हो गए 12 टेंस हो गए। इनके अलावा भी कुछ ऐसे नियम हैं जो वाक्यों को अंग्रेजी में रूपांतरित करने के काम में आते हैं, जिनका विवरण टेंसों में नहीं आता है, वो अलग से है। तो एक या दो प्रकार के वो वाक्य हैं, वो सूत्र हैं जो आपको बताए जाएंगे, जिससे कि आप
रिपोर्ट्स, लेटर, एप्लीकेशन, आंसर्स बनाते समय किसी भी सेंटेंस में कोई समस्या आपको उत्पन्न ना हो, तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट से। हम आपको प्रेजेंट के चारों ही टेंस कराएंगे। हम आपको ये भी बताएं कि प्रेजेंट के कौन कौन से ऐसे टेंस हैं जिनका आपको सर्वाधिक प्रयोग करना है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन या कोई लेटर लिखेंगे या कोई आंसर्स लिखेंगे, तो उनमें अगर प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा तो मेनली कौन कौन से ऐसे टेंस हैं जिनका प्रयोग ज़्यादा होता है, बाकी के जो इसके टेंस हैं, ठीक है, वो टेंस आपके करेक्ट फॉर्म द वर्ब या फिर कंप्लीशन की ग्रामर जब होती है तो वहाँ काम आते हैं। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं अपने प्रेजेंट टेंस से। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम समझेंगे इसके बारे में। बहुत सारी चीजें आपके सामने नई होंगी जो आपने आज तक कभी सुना नहीं होगा उनके बारे में। जो चीजें हम, जो बारीकियां हम टेंसों की छोड़ के चले जाते हैं, छोटी छोटी सी बातें, वही चीजें हमसे कंपटीशन के पेपरों में पूछी जाती हैं। ये जो टेंस आपको कराए जा रहे हैं, आप इनको जरा ध्यान से नोट करें अपनी कॉपी में, तो आराम से जो नियम आपको लगे कि विशेष है, जो हमने आज तक नहीं सुना, उसको अपनी कॉपी में नोट करें, जिससे कि कभी भी उसका रिवाइजेशन करके आपको आगे प्रतियोगी परीक्षाओं तक ये काम आएंगे। तो सबसे पहले आती है, मैं इसको हिंदी में ही लिख देता हूँ, पहचान, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, पहचान का मतलब होता है कि हिंदी के ऐसे कौन से सेंटेंस हैं, क्या पहचान होती है उनकी, जिससे हम ये पहचाने कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है। तो इसकी पहचान बहुत ही आसान है। आप केवल इसके लिए इतना लिखेंगे कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है और ता हूं। आदि शब्द आते हैं। यदि किसी वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द मिल जाएं, तो समझ लेना कि वो वाक्य प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है। इसके बाद इस वाक्य की सहायक क्रिया, इस वाक्य की सहायक क्रिया होती है डू या डज। दो सहायक क्रियाएं हैं इसके पास, डू है और डज है। हमें कैसे इनका प्रयोग करना होता है, ठीक है, कौन से कर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, ये लिखना बहुत जरूरी है। तो हम डू का प्रयोग करेंगे, हम डू का प्रयोग करते हैं बहुवचन कर्ताओं के साथ, प्लस उन कर्ताओं के साथ जो प्रथम पुरुष कर्ता हैं। इसीलिए आई, वी, यू और दे, इनके साथ आपको डू का प्रयोग करना है। और डस का प्रयोग करते हैं एक वचन कर्ताओं के साथ, जैसे ही, शी, इट, वे, नाम, इनके साथ आपको डस का प्रयोग करना है। ये एक वचन कर्ता है सभी, ये बहुवचन कर्ता है, ठीक है, लेकिन आई इनमें एक वचन है, आई एक वचन है, एक वचन के साथ आई के साथ भी डू का प्रयोग होता है। अक्सर ये चीज कंपटीशन के पेपरों में पूछ ली जाती है, ठीक है, इससे संबंधित एक प्रश्न बना करके दिया जाता है और आपसे ये जानकारी ली जाती है कि स्टूडेंट को ये पता है या नहीं पता कि भाई क्यों आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं, जबकि आई एक वचन है, ही भी तो एक वचन है, ही के साथ डू का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, ये आई को ऐसा क्या लाभ मिला है कि जो मतलब आई के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। बहुत से स्टूडेंट का जवाब होता है कि वह आई को बहुवचन मान लेते हैं,
ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं है। आप किसी को बहुवचन मान नहीं सकते। आप जब आई को बहुवचन मान लेते हैं तो ही को भी मान लो, शी को भी मान लो, इट को भी मान लो, डस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सबको एक साथ डू में ही रख दो ना, सहायक क्रिया भी एक हो जाएगी, लगाने में भी आसानी रहेगी। लेकिन इसका जवाब ये नहीं है। इसका जवाब क्या है कि जब सहायक क्रिया डू और डस को बांटा गया तो ये नियम बनाया गया कि बहुवचनकर्ताओं के साथ आपको डू का प्रयोग करना है। बहुवचनकर्ताओं के साथ, वी यू दे, बहुवचनकर्ताओं के साथ आपको डू का प्रयोग करना है, प्लस उन कर्ताओं के साथ भी आपको डू का प्रयोग करना है जो प्रथम पुरुष कर्ता है। अब हमारे पास प्रोनाउन सब्जेक्ट कितने होते हैं, प्रोनाउन कर्ता कितने होते हैं, टोटल 7 हैं, आई वी यू ही शी इट और दे। अब इन 7 प्रोनाउन कर्ताओं को 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक तो पर्सन के हिसाब से, जैसे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन कौन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन कौन है, यू, यू सेकंड पर्सन है, और बाकी के जितने भी कर्ता बच गए वो सब थर्ड पर्सन है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इनमें एक वचनकर्ता कौन है और बहुवचन कौन है। जो आई है वो उसमें एक वचन है, ठीक है, वी जो है इसमें बहुवचन है, जो यू है, ठीक है, ये बहुवचन में आता है, ही जो है वो एक वचन में आता है, शी ये भी एक वचन में आता है, और इट ये भी एक वचन में आता है, और दे ये बहुवचन में आता है। तो जब इस सहायक क्रिया का बंटवारा करते हैं, ठीक है, तो उन कर्ताओं के साथ तो हम डू लगाते हैं जो बहुवचन कर्ता हैं। तो जितने भी बहुवचन कर्ता हैं, यानी कि दे, ठीक है, यू और वी, इनके साथ तो ये लगी गया डू। इसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि उन कर्ताओं के साथ भी डू लगाना जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है। अब वी तो पहले से ही बहुवचन था, इसको तो आना ही था डू के साथ, ठीक है, जो आई था उसको इस बात का फायदा मिला कि ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है। तो जब ये नियम बनाया गया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ भी आप डू लगाइए, तो इसीलिए आई के साथ भी डू लगना प्रारंभ हो गया। यदि ये ही सी ये फर्स्ट पर्सन में आते तो इनके साथ भी डू लगता। तो इसलिए ध्यान रखें कि आई के साथ डू लगने का कारण इसको बहुवचन मानना नहीं होता है, बल्कि इसका कारण यह है कि बहुवचनकर्ताओं के साथ डू लगने के साथ साथ डू उन कर्ताओं के साथ भी लगता है जो प्रथम पुरुषकर्ता होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो सहायक क्रियाएं डू, सहायक क्रिया डू डस हो गई इनकी, और डू को हम आई वी यू दे के साथ लगाते हैं और डस को ही सी इट वे नाम के साथ लगाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पैटर्न कि यदि कोई वाक्य आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट का, तो उसको अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म करने का, उसको अंग्रेजी में बदलने का, रूपांतरित करने का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो इसको हिंदी में लिख देते हैं हम सूत्र, यानी कि पैटर्न। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट के साथ एस या ईएस प्लस कर्म प्लस अन्य जो भी हो, कर्म के बाद जो बचे हो। अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा इसके पैटर्न पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आप सभी को, जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर टेंसों में मजबूती रहेगी तो ये मान करके चलिए कि पूरे लाइफ टाइम, क्योंकि ये तो एक क्वालिटी है जिसको एक बार बनाना आ गया सेंटेंसेस, जो एक बार जिसने बनाना प्रारंभ कर दिया वो कभी जीवन में इनको भूल नहीं सकता, क्योंकि ये कला है। जिसने एक बार इसको सीख लिया, ठीक है, ट्रांसलेशन करना जिसने सीख लिया, रिपोर्ट्स बनाना सीख लिया, प्रश्नोत्तर बनाना सीख लिया, उसके बाद एक ही स्टेप वो बसता है बस कि इस वो अब उसके बाद स्पीकिंग सीखे। क्योंकि जब भी कोई स्पीकिंग करेगा, कोई भी अंग्रेजी में कुछ बोलना चाहेगा, ठीक है, तो उसके लिए उसे टेंसों की बहुत आवश्यकता होगी।
क्योंकि जब भी कुछ हम बोलना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उससे संबंधित कंटेंट को अपने दिमाग में लेके आते हैं कि हमें बोलना क्या है। हम हिंदी में उसके बारे में सोचते हैं और फिर हम उसको दिमाग में ही अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, और ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि सामने वाले को लगता है कि भाई आप अंग्रेजी बोल रहे हैं सीधा सीधा, जबकि हकीकत यह है कि आपने हिंदी का सेंटेंस सोचा, आपने तुरंत उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया और आपने सामने वाले को बोल दिया। तो इसके लिए अगर टेंस का ज्ञान कमजोर है तो ये कभी भी ट्रांसलेशन एक स्टूडेंट नहीं सीख पाता है, हमेशा गलतियां करता है। इसके अलावा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, आप इसके बाद ट्वेल्थ के बाद या टेंथ के बाद भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है, और ट्वेल्थ के बाद जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं, आप जब भी उनका एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो उसमें अंग्रेजी जरूर आती है, उसमें अंग्रेजी की व्याकरण भी आती है। तो वहाँ भी आपको, अगर आपकी टेंस मजबूत है, क्योंकि सारी इंग्लिश का आधार ही टेंस है, ठीक है, जितनी भी अंग्रेजी है उसका सबसे जो बड़ा बेस है वो टेंस है। इंग्लिश इज नथिंग विदाउट टेंस, कुछ नहीं है टेंस के बिना अंग्रेजी, ठीक है। अगर टेंस नहीं जिस स्टूडेंट के पास, उसके पास अंग्रेजी नहीं, इस बात पर ध्यान दें। तो देखते हैं पहले इसका क्या खास बात है इसमें, और उसके बाद इनका प्रयोग भी देखेंगे। आप पहले इनको समझें, और जब मैं इनका प्रयोग आपके लिए करवाऊंगा तो आपको दो सेंटेंस के बाद ये पता चल जाएगा कि अब मैं आराम से बना सकता हूं, अब मुझे कुछ कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये चीज देखेंगे कि उसके बाद कोई भी गाइड में से कोई सा भी लेटर एप्लीकेशन आप हिंदी में याद करें और उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करें, बहुत आसान है। तो इसमें क्या था कि सब्जेक्ट है, यानी कर्ता लगाते हैं सबसे पहले, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं, कर्म लगाते हैं और उसके बाद लगाते हैं अन्य शब्दों को। अब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि भाई क्या हमेशा हमको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना होगा? तो इसके लिए मैं आपको एक दो खास बातें लिखाता हूं। यदि कर्ता एक वचन है तो ही बी फर्स्ट के साथ एस या एस लगेगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं का मतलब, यदि कर्ता बहुवचन है तो आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगाना है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अगर कर्ता एक वचन होगा तो हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा देंगे। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि एस लगाएं या एस लगाएं, क्या लगाएं, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका बहुत आसान तरीका है कि यदि क्रिया के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ आदि अक्षर आते हैं तो ईएस लगेगा, अन्यथा एस लगेगा, ठीक है। यदि किसी क्रिया के अंत में एस एस एच डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ आदि अक्षर आते हों तो हमको ईएस लगाना होता है, नहीं तो हमको एस लगाना है। जैसे मान लीजिए क्रिया आपकी प्ले आती है तो प्ले के अंत में वाई आ रहा है, तो इनमें से तो कोई वर्ड नहीं है, तो अगर आपको इसमें एस या ईएस लगाना है तो इसमें केवल एस लगेगा, प्लेस, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल इसका और लेते हैं, जैसे गो, गो शब्द है, ये क्रिया है, ठीक है। अगर आपको इसके साथ एस या ईएस लगाना है तो क्योंकि ओ आता है इसके अंत में,
इसलिए आपको ES का प्रयोग इसके अंत में करना होगा। ठीक है। अच्छा, अब एक प्रश्न और हमारे सामने आता है, वो ये है कि सब्जेक्ट लगाया क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES भी लगा देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि एस या ES लगाने की आवश्यकता क्यों होती है। क्या हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? प्ले माने खेलता है, और प्लेज माने क्या होता है? प्लेज माने भी खेलता है। इन दोनों में अंतर क्या हुआ? अर्थ तो प्ले भी खेलता है और प्लेज भी खेलता है, दोनों का सेम है। ठीक है, तो क्यों जरूरत पड़ती है फिर हमें एस या ES लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर प्ले का अर्थ खेलता है होता है और प्लेज का भी अर्थ खेलता होता है, ठीक है, तो क्या हम यहां प्ले नहीं लगा सकते? प्लेज लगाना जरूरी है अगर क्रिया की, अगर कर्ता एक वचन है तो? बिल्कुल जरूरी है। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूं कि क्यों हम क्रियाओं के साथ एस या ES लगाते हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है एस या ES को लगाने की। देखिए, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं बहुवचन होती हैं। जैसे कि मैंने यहां लिखा प्ले, गो, रीड, राइट, ये सब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। जितनी भी क्रियाओं की फर्स्ट फॉर्म है, इनके अलावा भी जितनी भी जो भी हैं, वो सभी क्रियाओं की जो फर्स्ट फॉर्म है ये हमेशा बहुवचन होती हैं। कैसी होती हैं? बहुवचन होती हैं। ठीक है, सारी क्रियाओं की फर्स्ट फॉर्म में बहुवचन है। प्ले जो है वो भी बहुवचन है, जिसका अर्थ होता है खेलता है। ठीक है, यदि किसी वाक्य में कर्ता एक वचन होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक वाक्य लिख ही देता हूं यहां पे, दे प्ले ए गेम, ही प्लेज ए गेम। सेंटेंस छोटा है लेकिन हमारा पर्पस केवल इतना है कि हमको यह समझना है कि एस या ES क्यों लगाया जाता है। तो अगर हम ऊपर वाले वाक्य को देखें तो इस वाक्य में जो दे है वो बहुवचन करता है, प्ले ये भी बहुवचन क्रिया है, बहुवचन करता के साथ बहुवचन क्रिया को लगाया और सेंटेंस हमारा सही हो गया। यदि कर्ता एक वचन है और हम इसमें एस नहीं लगाते हैं तो जो क्रिया है वो कैसी हो जाएगी? बहुवचन हो जाएगी। एक वचन कर्ता के साथ क्रिया कभी भी बहुवचन नहीं लगाई जाती। ध्यान रखें, यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन ही लगानी होगी, किसी भी हालत में आप बहुवचन वाली क्रिया नहीं लगा सकते। तो अगर ये बहुवचन वाली क्रिया है तो इसे एक वचन कैसे बनाएं? तो ध्यान रखें कि जब भी किसी भी क्रिया में आप एस या ES का प्रयोग कर देंगे तो वो क्रिया एक वचन में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। इसीलिए यदि कर्ता एक वचन होता है तो हमें क्रिया के साथ एस या ES लगाना होता है। वो इसलिए लगाना होता है कि हम उस क्रिया को उस कर्ता के अनुसार एक वचन बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो गया पूरा पैटर्न। ज्यादा कुछ इसमें लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इनके इनका जो बेस है कि एक वाक्य की पहचान क्या होती है, उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, किस सहायक क्रिया को किस कर्ता के साथ यूज करते हैं, और उस वाक्य को बनाने का अंग्रेजी में पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो अंग्रेजी में अगर कोई वाक्य हमको कन्वर्ट करना है तो उसका पैटर्न क्या है, तो ये तीन चीजें सबसे बड़ा बेस है इसका। बाकी आपको इसमें कुछ भी याद नहीं करना, इतना ही याद कर लें, यही सफिशियंट है। तो अब नंबर सेकंड पे चलते हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रारंभ करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप जब भी कोई लेटर या कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें जितने भी सेंटेंसेस प्रेजेंट के आएंगे वो सारे सेंटेंस आप केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे उनको। उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट की बहुत कम आवश्यकता होती है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो कहीं उनमें आता ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान, पहचान के लिए वही तरीका, ठीक है, वाक्य के अंत में बहुत शॉर्ट में लिखना है, फालतू की रामायण नहीं लिखनी है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, ठीक है, ये शब्द होते हैं। अगर किसी वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, रहा हूं, इनमें से अगर कोई भी शब्द मिलता है तो समझ लीजिए कि वो वाक्य आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, अच्छा, और अब नंबर दो पे आती है इसकी सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? इसकी सहायक क्रिया होती है एजेमार। एजेमार का प्रयोग कैसे करते हैं, कौन से कर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगती है, ये जानना बहुत जरूरी है। इज का प्रयोग करते हैं ही, सी, इट और नाम के साथ। ठीक है, एम का प्रयोग करते हैं केवल आई के साथ और आर का प्रयोग करते हैं यू, वी, ते के साथ। ठीक है, अच्छा, एक बात का ध्यान नहीं दिया कि जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा था और हमने उसकी सहायक क्रिया लिखी थी डू या डज, तो उसमें हमने ये कहा था कि आई का प्रयोग, आई क्योंकि प्रथम पुरुष करता है इसलिए आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग करेंगे। तो क्या ये नियम, यानी वहां आई ने उस सहायक क्रिया को लिया था जो सहायक क्रिया बहुवचन कर्ताओं के साथ चलती है, तो क्या ये नियम यहां पे लागू नहीं होगा? नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखें आप विशेष तौर से कि जितनी भी सहायक क्रियाओं का बंटवारा हुआ था सबके लिए अलग अलग नियम बनाए गए थे। यहां ये नियम था कि आप एक वचनकर्ता जितने भी हैं, ठीक है, उनके साथ इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे और बहुवचनकर्ताओं के साथ आर लगाएंगे। अब वैसे यहां भी अगर देखा जाए तो आई के लिए विशेष रूप से एम मिला है, ऐसा क्यों? उसका भी एक कारण है। उसका कारण यह है कि अगर आप इसकी पहचान पर ध्यान दें तो जितने भी पहचाने हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, इन सभी में पीछे है आता है, लेकिन जब रहा हूं इस पहचान में हूं शब्द आता है और ये जो पहचान है ये केवल उस वाक्य के साथ लगती है जिसका कर्ता आई होगा, मैं बाजार जा रहा हूं। तो इज का अर्थ और आर का अर्थ है से निकलता है, अब हूं तो नहीं हो सकता ना इनका अर्थ, तो इसके लिए एम का प्रयोग, एम हूं का अर्थ देता है वाक्य में, तो इसीलिए आई के साथ एम का प्रयोग अलग से किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका पैटर्न लिखते हैं कि यदि इसका वाक्य आता है तो कैसे, किस पैटर्न से हमें उसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके पैटर्न के लिए सबसे पहले कर्ता लगाना होता है, उसके बाद सहायक क्रिया प्लस बिफोर, बिफोर का मतलब होता है क्रिया की चौथी फॉर्म, प्लस कर्म प्लस अन्य। ठीक है, एक पॉइंट यहां पे मैं और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को यह पता होता है कि भाई क्रियाओं की केवल तीन फॉर्म ही होती हैं। बहुत से बच्चों ने यह सीखा हुआ है कि क्रियाओं की तीन फॉर्म ही होती हैं, ठीक है, तो ये चौथी फॉर्म कहां से आ गई और ये क्या है चौथी फॉर्म, कैसी होती है? तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जिससे कि अगर दिमाग में कोई, माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो वो खत्म हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात कि एक क्रिया की फॉर्में कितनी होती हैं।
एक क्रिया की याद रखिए, एक क्रिया के हमेशा पांच फॉर्में होती हैं। कौन कौन सी होती है? तो हम एक क्रिया ले लेते हैं, ठीक है, एक क्रिया जैसे प्ले ले लेते हैं, मान लीजिए प्ले, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, बी फर्स्ट, बी का मतलब वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी टू यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, प्लेड हो गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी प्लेड हो गई। वर्ब की चौथी फॉर्म, इसमें आईएनजी जुड़ेगा, प्लेइंग हो गई। और वर्ब की पांचवी फॉर्म, ठीक है, ये हो गई टू प्ले। टू प्ले वर्ब की पांचवी फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें खास बात क्या है कि इस पांचवी फॉर्म का अर्थ, चलो प्लेइंग का अर्थ तो आपको पता होगा भाई, प्लेइंग माने खेल रहा, लेकिन टू प्ले का अर्थ क्या होता है? टू प्ले का अर्थ होता है खेलना। अब आप बोलेंगे प्ले का अर्थ भी तो खेलना ही होता है। जब प्ले का अर्थ खेलना होता है तो टू प्ले बनाने की, पांचवी फॉर्म बनाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, तो मैं यहां थोड़ा सा आपका ध्यान करेक्शन कर दूं कि प्ले का अर्थ खेलना नहीं होता। अगर आप ये सोचते हैं कि प्ले का अर्थ खेलना होता है, तो प्ले का अर्थ खेलना नहीं होता, प्ले का अर्थ होता है खेलता हूं, खेलता हूं। प्ले खेलता हूं, गो जाता हूं, राइट लिखता हूं, रीड पढ़ता हूं। तो केवल ना नहीं लगाना है हमको इसमें, बल्कि इसका पूरा अर्थ होता है खेलता हूं, जाता हूं, खाता हूं, पढ़ता हूं, ठीक है, इस प्रकार से। अगर मान लीजिए ये शब्द है खेलना, टू प्ले, टू प्ले का अर्थ है खेलना। अगर आपको इस संदर्भ में खेलना, इस संदर्भ में शब्द का प्रयोग करना है, तो आपको टू प्ले लगाना होगा। खेलना टू प्ले, जाना टू गो, पढ़ना टू रीड, लिखना टू राइट। अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए एक छोटा सा वाक्य लेते हैं जो बहुत ही आसान है और अब समझ में जल्दी आएगा इससे, कि जैसे हमने बोला कि दे गो टू स्कूल। दे माने वे, गो माने जाते हैं, टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर गो का अर्थ क्या हुआ? जाना नहीं हुआ गो का अर्थ, गो का अर्थ हो गया जाते हैं, ठीक है। हमने है के लिए कुछ अलग से नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि गो के अर्थ में ही है शब्द आता है। इसीलिए आपको मैं याद दिला दूं कि जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का पैटर्न लिखा था, तो उसमें आपने लिखा कि कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीआईएस प्लस कर्म, आपने उसमें सहायक क्रिया नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि उसकी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ही जो अंतिम शब्द होता है उसका समावेश होता है, इसलिए हमें उस शब्द को लगाने के लिए किसी और शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। तो गो माने होता है जाता हूं, गो माने जाना नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं मान लीजिए मैं बोलता हूं कि भाई मुझे जाना है, मुझे जाना है, अब आप क्या करोगे? ठीक है, आपके हिसाब से तो गो माने, अगर प्ले माने खेलना होता है, तो गो माने जाना हो गया, ठीक है। आप क्या सोचेंगे? मुझे की स्पेलिंग आई हो गई, क्योंकि कर्ता की जगह पर आई, वैसे तो मी होती है मुझे की, लेकिन क्योंकि कर्ता के स्थान पर है इसलिए आई लगाएंगे। जाना की स्पेलिंग आपके हिसाब से गो हो गई, फिर है का क्या करेंगे आप? या फिर आप ये कहेंगे कि भाई आई गो, क्योंकि जाना का अर्थ आपके हिसाब से तो गो होता है ना, लेकिन ये गलत है सेंटेंस, ठीक है। मैंने बताया आपको कि अगर आपको शब्द को ना के अर्थ में लेना है, तो आपको उसकी पांचवी फॉर्म ही लगानी होगी, आई, और क्योंकि जाना अलग शब्द हो गया, है अलग शब्द है, तो एम लगाएंगे और जाना के लिए लगाएंगे टू गो, आई एम टू गो, क्योंकि जाना का अर्थ टू गो होता है, गो नहीं होता। अगर आप गो लगाते हैं तो गो का अर्थ हो जाता है जाता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक क्रिया की पांच फॉर्में होती हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। एक और छोटा सा
एक छोटी सी बात है यहाँ पर जो मुझे नजर आई है, तो मैं बता दूँ आपको कि क्रिया की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसी हैं। प्लेड सेकंड फॉर्म है, प्लेड ही थर्ड फॉर्म है। एक प्रश्न बार बार स्टूडेंटों के दिमाग में आता है कि अगर दोनों की फॉर्में एक जैसी हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि सेकंड फॉर्म कौन सी है और थर्ड फॉर्म कौन सी है। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं प्लेड और मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म, तो आप कैसे बताएंगे, क्योंकि शक्ल तो दोनों से मिलती है इसकी, प्लेड सेकंड फॉर्म, प्लेड ही थर्ड फॉर्म। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। आप हमेशा याद रखें छोटी सी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है और आपको हमेशा काम आएगी, क्या कि केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और केवल क्रिया की सेकंड फॉर्म ही ऐसे होते हैं जिनको कि हम बिना सहायक क्रिया लिख सकते हैं। केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, यानी कहने का मतलब है कि अगर क्रिया के आगे कोई सहायक क्रिया नहीं लगी हुई तो समझ लीजिए वो या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या सेकंड फॉर्म होगी, क्योंकि इनके अलावा जितनी भी फॉर्में हैं थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ठीक है, ये कभी भी बिना सहायक क्रिया के नहीं लिखी जा सकती। तो इसलिए अगर मैंने लिखा कि प्लेड, आप बताइए ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड है या थर्ड है, तो क्योंकि इसके आगे कोई सहायक क्रिया नहीं लगी हुई इसलिए कंफर्म्ड ये सेकंड फॉर्म है। और अगर मैं आपको बोल देता कि हेड प्लेड, अब बताइए कौन सी फॉर्म है, तो अब ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म कभी भी बिना सहायक क्रिया के नहीं लिखी जाएगी। यदि आपको थर्ड फॉर्म का या चौथी फॉर्म का प्रयोग करना है तो आपको सहायक क्रिया का तो प्रयोग करना ही होगा, इसके बिना आप थर्ड और फोर्थ फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसका पैटर्न हो गया कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस क्रिया की चौथी फॉर्म। चौथी फॉर्म हमेशा आईएनजी वाली होती है, गोइंग, रीडिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ये सब क्रिया की चौथी फॉर्म में होती हैं, ठीक है, कर्म और उसके बाद जो शेष अन्य शब्द हैं। तो आज हमने इसमें दो टेंस सीखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके साथ ही साथ इसमें आने वाली जो विशेष बातें हैं, जो बारीकियां हैं, उनका भी हमने अध्ययन किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अब इसके आगे हम टेंसों को कल से करेंगे। धन्यवाद।